बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल फाइनली बड़े पर्दे पर आ गई है। संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म काबिल में ऋतिक रोशन के अलावा यामी गौतम, रोहित रॉय और रोनित रॉय मेन रोल में हैं। रईस की तरह ही फिल्म काबिल को भी क्रिटिक्स ने काफी सराहा है, लेकिन कहीं न कहीं रईस ने काबिल से बाजी मार ली है। यूं तो ऋतिक रोशन की पिछली फिल्में थिएटर्स पर चल नहीं पाई, लेकिन काबिल में उनकी परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि इस बार काबिल कामयाब होगी। काबिल को लेकर क्रिटिक्स का कहना है कि संजय गुप्ता का डायरेक्शन दमदार और काबिले तारीफ है। उन्होंने छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया। फिजिकल डिसेबिलिटी को उन्होंने पॉजिटिव तरीके से पर्दे पर दिखाया है। इसके अलावा अगर एक्टिंग की बात करें तो फिल्म काबिल को ऋतिक की कमबैक फिल्म कहना गलत नहीं होगा। एक अन्य व्यक्ति का किरदार उन्होंने बड़ी शिद्दत से निभाया है। तारीफ करनी होगी ऋतिक और यामी की, जिन्होंने सब कुछ देखते हुए भी चीजों को अनदेखा कर ब्लाइंड कपल का किरदार निभाया। विलेन के तौर पर रोहित और रोनित रॉय ने ठीक ठाक काम किया है। ओवरऑल क्रिटिक्स को ये फिल्म अच्छी लगी है। क्रिटिक्स ने फिल्म काबिल को 3 स्टार्स दिए हैं। क्रिटिक्स रिव्यू के बाद अब ऑडियंस रिव्यू। आई डोंट केयर अबाउट रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन, बट काबिल ऋतिक हैज टर्न्ड इन अ रॉकिंग परफॉर्मेंस। सुपर मूवी, सॉलिड एक्टिंग। काबिल विल स्टैंड एज अनदर माइलस्टोन फॉर ऋतिक आफ्टर ZNMD एंड लक्ष्य। स्लो पेस्ड बट ग्रिपिंग। एवरीवन एक्टेड ब्रिलियंटली इन काबिल। ऋतिक इज इनक्रेडिबल। सिंपल, स्वीट, इमोशनल एंड अडोरेबल फर्स्ट 30 मिनट्स टचिंग योर हार्ट। थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग सो नाइस एंड डिग्निफाइड। ऑल द बेस्ट फॉर काबिल। होप बोथ फिल्म्स डू वेल। गॉड ब्लेस। इट रोशन्स द एंटायर बॉलीवुड। द रोशन्स आर इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स।